भाकपा जिला मंत्री प्रकाश रजक ने डेबरा स्क्रैप मजदूरों का जिला मुख्यालय में चल रहे अनिश्चितकालीन धरना को समर्थन किया। कोडरमा जिला समाहरणालय के समक्ष दिनांक 12 फरवरी 2024 से डेबरा स्क्रैप मजदूर का चल रहे अनिश्चितकालीन धरना को भाकपा जिला मंत्री प्रकाश रजक एवं सीपीआई नेता असगर अली धरना स्थल पर पहुंचकर पार्टी की ओर से नैतिक समर्थन दिया। वहीं भाकपा जिला मंत्री प्रकाश रजक ने इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि कोडरमा जिले में डेबरा ही एक रोजगार है, जहां हजारों लोग रद्दी डेबरा चुनकर अपनी ही आजीविका चलाते हैं, साथ ही साथ अपने बाल बच्चों की पढ़ाई एवं इलाज में खर्च कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में रद्दी डेबरा चुनने पर जिला प्रशासन कठोर कार्यवाही कर यहाँ के मजदूरों पर कानूनी कार्यवाही करती है, जो सरासर अन्याय है, क्योंकि प्रशासन को जहां कार्यवाही करना चाहिए, जहां एक से बढ़कर एक घटना को अंजाम देकर भी बड़े बड़े क्राइमर लोग खोले आम घूम रहे हैं, जिसे देखकर भी प्रशासन अनदेखी करने में लगी हुई है। वहीं धरना 8वें दिन बीतने के बावजूद भी जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन कोडरमा की विधायक एवं सांसद मजदूरों का जायज मांगों को लेकर केंद्र सरकार से वार्ता कर धरना को समाप्त करवाने की जरूरत नहीं समझ रही है। मजदूरों की जायज मांगों पर जिला प्रशासन द्वारा अविलंब विचार नहीं किया जाएगा तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सड़क पर उतरकर आंदोलन को और तीव्र किया जाएगा। कोडरमा से इंद्रदेव कुमार राम की रिपोर्ट। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से 12 फरवरी से ढेबरा स्क्रैप मजदूरों का अनिश्चितकालीन धरना को समर्थन किया हूँ और इन लोगों का मांग जायज है और लंबे समय से इन लोगों का मांग लड़ाई के माध्यम से मांगते आ रहे हैं। एक तरफ इन लोग धरना पर बैठते हैं, दूसरी तरफ पुलिस की कार्रवाई होती है। हम कह रहे हैं कि आज 8वां दिन संपन्न हो गया धरना, अभी तक इन लोगों मजदूरों से, मजदूर के नेताओं से ना जिला प्रशासन वार्ता के लिए आगे आई है, ना पुलिस प्रशासन आगे आई है, ना यहाँ कोडरमा की सांसद महोदया आई है, ना कोडरमा की विधायिका आई है, ना कोई राजनीतिक पार्टी के लोग आए हैं। हमारा कहना है कि कोडरमा जिले में मजदूर की संख्या को बहुत ज़्यादा है, जंगल झाड़ में लोग बसने वाले लोग हैं। ढीबरा रद्दी ढीबरा जो है चुन कर अपना जीविका को चलाते हैं, अपनी बाल बच्चा को पालते हैं, अपनी बाल बच्चा का इलाज पढ़ाई की व्यवस्था करा पाते हैं और इस परिस्थिति में पुलिस की कार्रवाई होना यह बहुत निंदनीय है। हम जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं और भारत सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि आप 2014 में कोडरमा झुमरी के लैया मैदान में आकर के सभा किए थे और वहां कहे थे कि जो यहां की मजदूरों की चेहरा का जो चमक चली गई है, वह मेरी सत्ता आएगी तो वह चेहरा का चमक मैं वापस ला दूंगा। आपने दो दो बार सत्ता पर आया लेकिन मजदूरों का चेहरा का चमक तो आई नहीं, लेकिन जो भी चेहरा का चमक था वह भी चला गया। कई मजदूरों पर झूठा मुकदमा हो गया, कितने लोग जेल में हैं और यह दहशत में लोग हैं मजदूर। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से हम मांग करते हैं कि इन मजदूरों का जो जायज मांग है, इस पर यहाँ की विधायिका को, यहाँ के माननीय सांसद महोदया को, यहाँ कोडरमा उपायुक्त को, कोडरमा पुलिस अधीक्षक को विचार करना चाहिए, क्योंकि हजारों हजार मजदूर सड़कों पर हैं, धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, बाल बच्चा को त्याग कर अपनी मांग को लड़ाई के माध्यम से लोकतांत्रिक तरीके से धरना पर बैठी हुई है और जिला प्रशासन सोई हुई है, यह बहुत निंदनीय है। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी को यदि जरूरत पड़ेगा तो हम लोग सड़क पर उतरकर हम लोग विरोध करेंगे और समर्थन देंगे।